हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन वर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। आज लेकर के आया हूँ वर्गमूल और घनमूल। अभी तक संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम और सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं वर्गमूल और घनमूल। इसके बाद लेकर के आऊँगा सर्ड एंड इंटेंसेस, मतलब कि घातांक और करणी, उसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। ये वर्गमूल और घनमूल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले इसको देखेंगे वर्ग को। जैसे इसमें है वर्ग मूल, तो पहले देखेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा ये 25। अब उसके बाद दिया हुआ है मूल। मूल का मतलब जहाँ से ये बनकर आया था। मूल का मतलब होता है वर्ग का मूल, जिस संख्या का वर्ग किए हैं वो प्रारंभिक मान, जो प्रारंभिक अंक था वो कितना है। मतलब वर्ग किए थे 5 का, तो उसी का मूल कौन क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। तो अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मूल है वो 5 है। कौन सा मूल, वर्गमूल। उसी तरह से घनमूल है, अगर 5 का घात 3 करेंगे तो हो जाएगा ये 5 × 5 × 5। तो इसको 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 125 बन जाएगा। अब 125 का पुनः घनमूल निकालें हम। घनमूल का मतलब 5 का घन 125, और इसी का मूल, मूल क्या हो जाएगा, वही 5। जैसे 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो इसको लिख देंगे 5 का घात 3, तो घात 3 को हटा देंगे, 5 बच जाएगा। यही हमारा जो मान आ जाएगा यही घनमूल हो जाएगा। चाहे इसको ये भी कर सकते हैं, घनमूल लगा देंगे 5 का घात 3। हमें पता है कि 5 का घात 3 वैसे रहेगा, और ये जो घनमूल लगा हुआ है ये घात 1/3 बन जाता है, बटे में हो जाता है घात। तो घात से घात कट गया, क्योंकि ये घात का घात गुणा हो जाता है, गुणा करेंगे तो 3 × 1/3 कट गया, बच गया 5। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्ग और वर्गमूल और घनमूल। अब देखते हैं इसके प्रश्न या इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा इससे संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया पहले ही, 4356 का वर्गमूल क्या होगा। जो चिन्ह लगा हुआ है ये चिन्ह ही वर्गमूल का चिन्ह है। ये अगर कोई भी यहाँ पर अंक नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंक का या संख्या का वर्गमूल निकालना है। 3 लिखा हुआ है तो घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो चतुर्थमूल निकालना है। 5 लिखा हुआ है तो पंचमूल निकालना है। इस तरह से जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएंगे उसका मूल निकालते जाएंगे हम। तो यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा है, मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में अंक नहीं लिखा जाता है। तो 4356 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके भी निकालने के 2 तरीके हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि भी बताएंगे बाद में, पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 4356 को किससे काटेंगे, इसको पहले कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। हमने इसको जो विभाज्यता का नियम है, 2, 3, 5, 7 जितने भी विभाज्यता के नियम हैं, इन सबको संख्या पद्धति के वीडियो में बता चुके हैं। अगर ना समझ में आया हो, ना देखे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जा करके आप देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगा और इसका नियम क्या है। तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से, मतलब अभाज्य संख्या से छोटे अंक से बड़ी की तरफ काटते चले जाएंगे। तो पहले 2 से, 2 से संख्या कब कटेगा, जब संख्या का लास्ट अंक सम हो। सम का मतलब 2 से कटने वाला, तो 6 सम संख्या है इसलिए ये 2 से कट जाएगा। तो 2 2 4 और 2 1 9 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 15, 2 8 16। अभी भी लास्ट में सम संख्या है, अभी भी 2 से कटेगा ये, तो 2 1 9 2, अब ये 2 कट रहा है साथ में, बीच में 0, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, विषम अंक आ गया। अगर विषम अंक आ गया तो 2 का कटना बंद। नंबर किसका है, 3 का। 3 का नियम है कि अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 8 17 1 18, 18 को 3 से भाग करें, 3 6 18 कट रहा है।
मतलब कि ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 1 बच गया, 3 6 18 और 3 3 9 कट गया आसानी से। अभी भी विषम तो है ही है, 3 से देख लें, 3 6 9 और 3 12, 3 6 12, 3 से कटेगा, 3 9 3, 3 9 6, 3 9 3। अब क्या 121 भी 3 से कटेगा? चेक कर लें, 1 और 2 3 और 1 4, 4 3 से नहीं कटेगा, मतलब 3 का कहानी खत्म। अब आ जाएंगे किस पर? 5 पर। तो 5 के विभाज्यता का नियम है कि संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 7 से। 7 का नियम है कि लास्ट के अंक का दुगना करके शेष में से घटा दें, या तो 0 आ जाए या 7 से विभाजित संख्या आ जाए, तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो 1 का दुगना कर देंगे 2 आएगा, 2 घटा देंगे बन गया 10। 10 क्या 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, मतलब कि 7 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 11 से। चूंकि ये 11 ग्रह 121 वैसे हो जा रहा है, 11 करना 11, 1 12, 11 करना 11। हमने 11 का भी नियम बताया है कि सम और विषम अंकों का, सम का योग और विषम का योग दोनों को घटा दें, अगर संख्या 0 आ रहा है, यानी कि अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाजित संख्या आ रहा है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो विषम पर 1 है और 1 है, 1 और 1 2, और ये सम पर है तो घटा देंगे तो 0, यानी कि 11 से कट रहा है। 11 के लिए 121 वैसे भी पता है, 11 से काट दें। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11। 2 2 का पेयर करेंगे, ये 2 ये 3 ये पेयर कर लिए, तो अब इन दोनों 2 में से केवल एक ही 2 को लिखना है हमें, इन दोनों 3 में से एक 3 को लिखना है, इन दोनों 11 में से एक 11 को लिखना है। गुणा कर दें, 2 3 6 6 66, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। इसको एक विधि से और भी समझ सकते हैं कि 2 लिखा है 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 × 3 3 का घात 3, 11 × 11 सॉरी 11, 3 के घात 2 और 11 के घात 2, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। हमें पता है कि जो वर्गमूल का चिन्ह होता है वो पूरे का घात 1/2 होता है, जैसे 2 की घात 2 × 3 के घात 2 × 11 की घात 2, और पूरे का घात 1/2, वर्गमूल को कह सकते हैं पूरे की घात 1/2। जब ये बटे में घात अंदर आएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो सभी में ये जा करके गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 की घात 2 × 1/2, 3 की घात 2 × 1/2, 11 की घात 2 × 1/2। इससे कट गया, इससे कट गया, ये कट गया, तो 2 × 3 × 11 यानी कि 66। तो चाहे इससे करें चाहे इससे करें, सब आसान है, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है, तो आसान यही है कि 2 2 का पेयर बनाएं और दोनों में से एक अंक को लिख दें, वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि संख्या पद्धति में जो हमने वीडियो बनाया है विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसको जा करके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, और उससे आपको पूरा का पूरा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो समझ में आ जाएगा और गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 13 76 41, 13 76 41, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो चाहे तो गुणनखंड से लगाएं या फिर भाग विधि से लगाएं। तो गुणनखंड से तो एक बता ही चुके हैं, पहला प्रश्न बता चुके हैं गुणनखंड विधि से, इसको क्यों ना भाग विधि से लगा लें, क्योंकि अगर बड़ा प्रश्न है उसको गुणनखंड करके लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वर्गमूल निकालने में। गुणनखंड करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद गुणा करेंगे तब मान आएगा। तो अगर बड़ा ज़्यादा मान है तो ज़्यादा आसान तरीका यही है कि उसको भाग विधि से लगा लें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाग विधि से देखते हैं इसको, तो 13 76 41, भाग विधि में नियम होता है कि अंत से 2 2 का पेयर बनाते हैं। गुणनखंड में क्या था कि गुणनखंड करने के बाद 2 2 का पेयर बनाते थे, अभाज्य गुणनखंड का यानी कि जो प्राइम नंबर आता था उसका 2 2 का पेयर बनाते थे। इसमें यह है भाग विधि में कि पहले ही 2 2 का पेयर बना लेंगे, और वो भी किधर से? लास्ट से। लास्ट में 2 का पेयर, फिर 76 हो गया, फिर 13 हो गया। अगर यहाँ पर कोई अंक और लिखा होता तो उसको अकेला छोड़ देते, जैसे भी आ गया इस तरह से,
इस ऐसा आ गया, तो इसका पेयर करेंगे, इसका पेयर करेंगे, ये बच जाएगा, तो ये बच जाएगा तो इसका अकेले ही गुणनखंड किया जाएगा, अकेले ही इसको हम भाग करेंगे। तो अब चले इसको देखते हैं, तो 13 आ गया। अब 13 को ऐसे अंक से काटना है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर 13 के से ज़्यादा ना जाने पाए, 13 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा ना जाने पाए। तो किससे गुणा करेंगे, 2 2 4 3 3 9 4 4 16 4 4 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 3 9 3 3 9 13 में से 9 गया 4। अब इसके बाद में जो 2 का पेयर बनाए थे इसको उतारेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 76। अब इसमें एक नियम ये भी है कि जो 3 यहाँ पर लिखे हैं उसमें उतना ही जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 3 आ जाएगा 6। अब 6 के बाद में हमें यहाँ बगल में ऐसा अंक लिखना है, मतलब इकाई का अंक इस तरह से बनाना है कि उसी से गुणा करने पर 476 से ज़्यादा ना जाने पाए। यहाँ पर 2 लिखें तो ये बन जाएगा 62, और 62 को हमें 2 से गुणा करना होगा, तो 2 2 4 2 6 12 124, 476 से बहुत ही कम है, तो इसको हम 7 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि 7 से ये इससे ज़्यादा मान नहीं आएगा, तो चेक इसको गुणा कर लें हम, 7 7 49 7 6 42 42 4 46 16 में से 9 गया 7, अब 6 में से 6 गया 0, ये 0 0 सब हो गया। अब इसमें फिर 7 जोड़ देंगे, जितना यहाँ पर लिखा जाएगा उतना ही जोड़ा भी जाएगा, तो 7 7 14 और 6 और 1 7 कितना आ गया। अब यहाँ पर जो 2 अंक थे ये जो पेयर वाले थे इसको ला करके यहाँ उतार लेंगे, 41 आ गया, 741। अब 74 के बाद में इकाई के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक रख दें कि उसी से गुणा करने पर 741 आ जाए, तो लास्ट में चूंकि 1 है, जब 1 है तो 1 को किससे गुणा करने पर 1 ही आता है, 1 1 9 1 या 9 9 81, या तो 9 से आता है तो 1 से आता है, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 यहाँ भी 1 लिख दिया जाएगा, तो 1 1 9 1 4 7 ये कट गया, हमारा वर्गमूल कितना हो गया 371, जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया 371 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से तरीके से लग रहा है, इसमें यही करना है कि लास्ट से 2 2 का पेयर करेंगे, जो शुरुआत में बचेगा उसको ऐसी संख्या से हमें भाग देना है कि संख्या को उसी से गुणा करने पर इस 13 से ज़्यादा न जाने पाए। 3 आया था घटाए तो 4 बचा, इस तरह से 76 उतारे, फिर 6 के बाद में 7 लिखे, ऐसे करके साल करते चले आए। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो वीडियो को बैक करें, उसके बाद देख सकते हैं कैसे लगा सवाल। चलिए अगले प्रश्न को देख लें। अब इसे प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अब प्रैक्टिस करने से ही कैलकुलेशन मजबूत होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें अपने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे वाले को। तीसरा हमारा है 0.9, ये कंपटीशन में भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। हमें पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा क्योंकि 3 3 9 होता है, तो इसका वर्गमूल तो 3 आ गया, लेकिन अगर 0.9 है तो वर्गमूल क्या होगा इसका। और ये भी सवाल उठता है कि अगर लिखा हुआ है 0.09 तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, क्यों, 0.9 हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, अब ये बन गया 9/100, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10 2 100 यानी कि 10, फिर 0.9 लगा देंगे तो 0.3। लो 0.09 का जो वर्गमूल है वो आ गया 0.3, लेकिन इसमें एक ही अंक पर पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 10 यानी कि 9/10, तो 9 का वर्गमूल 3 लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा 10 का वर्गमूल, तो इससे अच्छा है कि 0.9 का ही वर्गमूल निकाल लें और आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो 0.9 का वर्गमूल निकालें या तो 2 स्थानों तक या 3 स्थानों तक, अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो या तो स्थान दिया रहेगा या हो सकता है डायरेक्ट भी दे दें कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसका वर्गमूल डायरेक्टली पूर्ण मान में नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको दिया ज़्यादातर दिया जाता है कि 2 स्थानों तक वर्गमूल निकालिए या फिर 3 स्थानों तक या फिर 0.1 स्थान तक, इस तरह से। लेकिन 1 बहुत मुश्किल है, 2 या 3 दिया रहता है ज़्यादा, तो लिख दें का वर्गमूल 0.1 के
तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दशमलव तक के तीन स्थानों तक कैसे वर्गमूल निकालेंगे? तो 0.9 का भाग विधि से वर्गमूल। हमने अभी बताया था कि दशमलव का जो वर्गमूल होता है, चाहे दशमलव का हो चाहे जो हो, हमेशा उसमें दो दो का पेयर बनाया जाता है। तो इसमें भी दो का पेयर बनाएंगे, क्योंकि अंक एक ही है, 9 है, तो पेयर कैसे बनाएंगे? तो के बाद हम 0 को लगा सकते हैं, लेकिन 0 के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए 0 के अलावा। तो यहाँ 0 लगा दिए, अब ये बन गया 90, दो का पेयर बन गया। अब 90 को किस संख्या से भाग करें कि संख्या को उसी से गुणा करने पर 90 से ज़्यादा ना जाए? तो 9 से, तो 9×9=81 बच गया 9, डेसिमल लगा था इसको लगा दिए वैसे। अब 9 के बाद में कौन सा अंक उतारे यहाँ पर? यहाँ तो 9 जोड़ सकते हैं, 9×9=18 हो गया। अब 9 के बाद जो अंक उतारने का सवाल है उसमें 0 ही लिखा जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम चाहे जितना 0 लिख दें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन जब 0 उतारेंगे तो वो भी 2 उतरेगा, पेयर में आएगा हमेशा, तो 00 आ गया। अब 18 के बाद कौन सा अंक लिखें कि 900 से ज़्यादा ना जाने पाए? तो यहाँ कौन सा अंक लिख दें हम? तो इसको लिख दें 3 से, देखें 183 का 3 से, तो 3×3 कम रह जाएगा, 4×8=32, 4×4=3, 4 से यहाँ पर कर दें 4, और गुणा करेंगे 4×4=16, 4×8=32=133, 4×4=37। अभी लग रहा है कम है, तो 4 के बाद 5 से भी चेक कर लें हम, तो 5×8=40, 4 बच गया, 5×5=4, 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 सही ठीक है। 4×4=8, 8×1=1, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, फिर 2 0 उतार लेंगे, क्योंकि हमने लिख दिया है कि 0.9 का वर्गमूल दशमलव के तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दो ही अंक हुआ है, दो ही स्थान, एक स्थान और निकाल लें। तो अब यहाँ ऐसा कौन सा अंक लिख दें कि उसी से गुणा करने पर 16,400 से ज़्यादा ना जाने पाए? तो यहाँ हमें पता है कि 8 से गुणा करने पर ऐसा हो जाता है, तो 8×64, या आप चेक भी कर सकते हैं, 7 से, 6 से, 5 से, जो भी हो, चेक करने के बाद 8 आ जाएगा। तो 8×64, 8×64 और 6=70, तो 8×64, 64×7, 64×70 है 71, 7×8=7=15, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 गया 2, बस 6 में से 5 गया 1, 1296। जो हमारा वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया? 0.948, यही आंसर हो गया। तो इसमें 0.9 का वर्गमूल जो आया है वो 0.948 आ गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं इसी तरह से। तो वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है इसमें, और ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाग विधि में कि दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। अगर दशमलव में है तो दशमलव के बाद में दशमलव से शुरुआत करके दो दो का पेयर बनाएंगे, अगर उसके पहले है तो दशमलव से शुरुआत करके ही पेयर बनाएंगे। जैसे देखते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है कोई अंक 161.29, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अभी तक था केवल दशमलव लगा था, उसके पहले 0 था, अब दशमलव के पहले अंक भी है पूर्णांक में। तो अभी हमने बताया है तुरंत कि दशमलव के बाद में जो पेयर बनाते हैं वो दशमलव से शुरू करके बनाते हैं, और दशमलव के पहले का जो पेयर बनाते हैं वो भी दशमलव से ही शुरू करते हैं। तो ये दशमलव लगा हुआ है, इसके पहले 61 का पेयर और 1 बच गया, दशमलव के बाद में शुरू करेंगे 2 से, यानी कि 29 का पेयर, उसके बाद अंक ही नहीं है। अगर यहाँ पर कोई अंक होता भी, जैसे 5 होता या 6 होता, कोई भी होता, जैसे 5 लिख दें तो ये अकेला पड़ जाता, तो 0 लगा देते ये पेयर बन जाता, क्योंकि है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं लगाने से। तो अब क्या करेंगे? अब वर्गमूल निकाल लेंगे आसानी से। देखिए 161.29, ये पेयर, ये पेयर, ये अलग हो गया। अब एक को ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि उसी से गुणा करने पर एक से ज़्यादा ना जाए, तो 1×1=0, 61, 1 और 1 2 हो गया। अब उतारेंगे, 61 उतार चुके हम, 2 के बाद ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसी से गुणा करने पर 61 से ज़्यादा ना जाए, तो 2×2=4, 2×2=4=44 हो गया,
तीन लिख दें तो 3 × 19 = 3 × 3 = 9 और 3 × 19 = 69 हो गया, चूँकि 61 है ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1। अब उतारेंगे 29 को, ये दशमलव लगा है तो दशमलव को हम कहाँ लगा देंगे, भागफल में, जो वर्गमूल आ रहा है हमारा उसी में लगा देंगे। 2 लिखे थे 2 जोड़ देंगे, 2 × 2 = 4। अब यहाँ ऐसा अंक लिखना है कि उसी से गुणा करने पर 1729 पूरा का पूरा कट जाए, शेषफल भी बच सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा कट जाए, अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो पहले कटने वाला देख लें कि क्या कट रहा है, अगर कट ना रहा होता तो जो क्वेश्चन हमारा है इसमें लिखा होता कि दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए या दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, इस तरह से। चूँकि इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो पूरा पूरा कट करके आएगा दशमलव। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर लास्ट में 9 प्राप्त होता है? तो एक तो है 3, यानी कि 3 × 3 = 9, दूसरा है 7 × 7 = 49। तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 = 17 है, ज़्यादा है, 7 से कर दें, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 4 = 32, 7 × 2 = 14, 3 = 17, लो कट गया हमारा जो वर्गमूल आ गया, कितना आ गया 12.7, बहुत ही आसानी से आ गया। तो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं प्रश्न को, 74088 है, इस पर लगा हुआ है घनमूल। अभी तक हमने देखा है वर्गमूल को, वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से भी, भाग विधि से भी, भाग विधि में सिंपल वाला भी था और दशमलव वाला भी था, ये हो चुका। अब देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं इसका। तो घनमूल में तो जो भाग विधि होता है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, भाग विधि निकल भी नहीं पाता जल्दी, तो हमने इसको वर्गमूल में, जो घनमूल है इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 74088 का गुणनखंड कर लें, अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में सम है इसलिए 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 1 × 7 = 14, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 3, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 9। अब लास्ट में 1 आ गया, मतलब कि 2 आना ख़त्म, सम संख्या बंद हो गया। जब सम संख्या नहीं आएगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 9 × 2 = 11, 11 × 6 = 17 और 1 = 18, 3 × 6 = 18, मतलब कि ये 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9, 2 नहीं कटेगा 3 से, दोनों अंक लेंगे 0 लगाएंगे, 3 × 8 = 24, 2 × 26 = 321, फिर 3 से, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 3 × 6 = 12, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। अब देखें ये 3 से कटेगा या नहीं, 3 × 4 = 7, 3 = 10, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद होता है 5 का नियम, 5 में है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो ना तो 0 है ना ही 5 है, मतलब 5 से भी नहीं कटेगा ये 7 से। 7 का नियम है कि लास्ट के अंक का दोगुना करके शेष में से घटा दें, या तो 0 आए या 7 से विभाजित संख्या आए तो संख्या 7 से कट जाएगा। तो 34, 3 × 2 = 6, घटा दें इसको, 14 में से 6 गया 8 और ये 2, 7 × 28, 7 से कट रहा है, तो 7 × 2 = 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 28 28 और कितना बचा, 28 × 2 = 30 यानी 6 बचा, तो 7 × 9 = 63, तो 7 × 7 = 49, 7 × 7। अब इसका हमें घनमूल निकालना था, घन जैसे वर्गमूल में होता है कि 2 2 का पेयर करते हैं, वैसे इसमें 3 3, इन 3 2 में से 1 2 को लिखेंगे, इन 3 3 में से 1 3 को लिखेंगे, इन 3 7 में से 1 7 को लिखेंगे, 3 × 2 = 6 = 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 42 उत्तर आ जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख दें, या फिर घात 3 करके और बटे 1/3, घात 1/3 करके काट के लगाएं, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये ज़्यादा ठीक है कि 3 3 को एक साथ में मिला करके और 1 1 को लिख देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर घनमूल का दशमलव में आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस तरह से वर्गमूल में हमने देखा था दशमलव वाला, उसी तरह से देखते हैं घनमूल का दशमलव, अगर दशमलव में लिखा हुआ है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे।
जैसे लिखा हुआ है 0.000027, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, यह है छठवां क्वेश्चन हमारा। इस तरह के प्रश्न का कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव को हमें हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, पता है नियम, बहुत ही पढ़ चुके होंगे 6, 7, 8 में, संख्या पद्धति में भी लगवा चुके हैं, या जो दशमलव संख्याएं बताए हैं, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, उस वाले वीडियो में भी दशमलव के सिद्धांत को बता चुके हैं, जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। दशमलव हटाएंगे, एक आएगा, दशमलव के बाद में जितने भी अंक हैं उतने 0/2 के नीचे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घनमूल लगा रहेगा। अब ये बच गया 27/10^6, 6 हो जाता है, क्योंकि 10 2 100 2 1000 2 10000 गुणा करेंगे तो ऐसे आता जाएगा, मतलब कि जितने जीरो हैं उतने इसमें घात लग जाएंगे। हमें पता है कि 27 का घनमूल क्या होता है, 3 3 9 27, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तभी 27 आएगा, मतलब घनमूल हो गया 3। इसमें 10^6 है, तो 10^6 और पूरे का घात कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 कर देंगे, मतलब 10^6 × 1/3, 3 × 9 = 6, 10^2 आ गया, तो 3/10 × 2 = 100, दशमलव लगाएंगे 0.03, ये आंसर हो गया हमारा। ये जो दशमलव वाला नियम है, ये दशमलव वाले वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, इसका देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी तरह से देखते हैं कि अगर इस तरह से दिया हुआ है मान, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। चूँकि 49 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन एक ही जीरो है, मतलब कि दशमलव के बाद 1, 2, 3 ही अंक हैं, अगर 4 अंक होता तो इसका घनमूल वर्गमूल आसानी से निकाल सकते थे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जितने भी इसमें दिए हुए हैं अंक उसमें हम दशमलव को काट देंगे। जैसे देखते हैं इसमें यहाँ दिया हुआ है 3 अंक पर दशमलव, 1, 2, 3, हर में देखेंगे कि 3 अंक पर दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है 3 अंक का दशमलव, तो ये दशमलव, ये दशमलव हट गया, 1, 2, 3 अंक, 1, 2, 3 अंक, दशमलव से दशमलव कट गया, 1, 2, 3 अंक, 1, 2, 3 अंक, ये भी कट गया, ये 2 अंक पर दशमलव है और ये भी 2 अंक पर है, ये भी कट गया। जो बचा लिख देंगे, 49 × 16 × 9 बटे बच गया 81 × 36 × 64। हमें पता है 49 का वर्गमूल 7 × 49 यानी कि 7 होता है, 16 का वर्गमूल 4 × 16 = 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 × 9 = 3 होता है, 81 का 9 × 9 = 81 = 9 होता है, 36 का वर्गमूल 6 × 36 = 6 होता है, 64 का 8 × 64 = 8 होता है, काट देंगे, 3 × 3 = 9 = 4 × 2 = 8, तो ऊपर बच गया 7 और 3 × 6 = 18 = 36, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से लग गया, बहुत सिंपल था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर इसी तरह के और प्रश्न आ जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप हैं इसमें वर्गमूल और घनमूल में, उस सब को कवर करा देंगे, और कवर कराने के बाद में चलेंगे सीधा अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न यानी कि जो कंपटीशन में आ चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे हम कि कैसे वो सॉल्व होगा, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको, आज केवल बेसिक हो जाए। तो देखते हैं इसको हम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 98 का वर्गमूल लगा हुआ है और गुणे लिखा है 72, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 98 का वर्गमूल और 72 का वर्गमूल कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखिए। हमें पता है कि अगर करड़ी जो लगा हुआ है, यानी कि जो रूट लगा हुआ है, अगर ये सेम है तो इसको हम पूरे पर लगा देंगे, और गुणे का चिन्ह लगा हुआ है तो 98 × 72 कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं, चाहे गुणे में हो या भाग में हो, अगर गुणे में रहेगा तो दोनों को गुणा कर देंगे, लेकिन जब ये करड़ी बराबर होगा तो ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, तो भी हो पाएगा। अगर एक वर्गमूल है दूसरा घनमूल है तो गुणा नहीं होगा, दोनों सेम हैं, इसलिए दोनों पूरे पर वर्गमूल लगा दिए और दोनों को गुणा कर दिए। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 98 का 2 × 8 = 2 9 = 18 7 × 7 = 7, इसको हम लिख दें 2 × 7 × 7। अब 72 को काट दें इसे,
दो तिहाई छः, दो छक बारह, और दो अठाइयाँ छत्तीस, दो नौ अठारह, तीन तिया नौ, तीन कन्नम तीन। तो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन, दो दो का पेयर कर लेते हैं, सात सात हो गया, दो दो हो गया, तीन तीन हो गया, और ये दो मिलकर बन गए। तो इन दोनों दो में से एक दो, दोनों सात में से एक सात, दोनों दो में से एक दो, और ये तीन गुणा कर लेंगे। सात उन्नीस चौदह, चौदह दुना अट्ठाईस, अट्ठाईस दिया गुणा कर लें, तीन आठ चौबीस, तीन उन्नीस छः, और दो आठ चौरासी हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से साल हो रहा है ये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे ये तो था गुणे वाला, अगर बटे वाला आ जाए तो कैसे साल करेंगे, वो भी इसी तरह से है। अगर बटे में क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का करड़ी सेम है, चाहे वर्गमूल या घनमूल, तो करड़ी पूरे पर लग जाएगा और बाकी वो भाग हो जाएगा, जो अंक रहेगा। गुणे में है तो गुणा हो जाएगा, भाग में है तो भाग हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं हो पाएगा इस तरह से। प्लस और माइनस का दूसरा रूल है, उसको हम बताएंगे इसके जो अभ्यास प्रश्न आ रहे हैं उसमें, जो अभ्यास प्रश्न कराएंगे तो उसमें इसको बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है 162 बटे 288, इस पर भी वर्गमूल लगा है और इस पर भी वर्गमूल लगा है, दोनों पर अलग अलग वर्गमूल लगा हुआ है, और ये वर्गमूल निकलेगा भी नहीं, 162 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और 288 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, वर्गमूल पूरे पर लगा देंगे, लिख देंगे 162 बटे 288। अब इसी को काट दें हम, दो और सोलह, दो कन्नम दो, दो कन्नम दो, दो चौक आठ, दो चौक आठ, बस अब तो लगा सकते हैं। 81 का 9, 144 का 12, 9 नौ 81, 12 बारह 144, और काट दें, तीन त्रिक का 9, तीन चौक 12, लो आ गया 3/4। या फिर यही काट देते उसके बाद वर्गमूल निकालते तो भी सही रहता, लेकिन जब 81 का वर्गमूल निकल रहा था तो इसलिए हमने वर्गमूल निकाल दिया, 144 का भी वर्गमूल निकल रहा था इसलिए हमने वर्गमूल निकाल दिया 12, फिर कट रहा था फिर काट दिए, क्योंकि विकल्प में 9/12 भी दे सकता है या हो सकता है 3/4 भी दे दे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 3/4 ही देगा, 9/12 बहुत कम ही चांस रहता है। चलिए अगले एक प्रश्न को और देख लें, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वो ज़्यादातर आता है वो प्रश्न, तो उसी को देख लें, उसके बाद वीडियो को समाप्त करें और फिर अगले सेशन में लेकर के आएंगे इसके इससे संबंधित प्रश्नों को जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं। जैसे ये अगला हमारा लास्ट प्रश्न है 52/ और बराबर ? दिया हुआ है 13। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क की जगह को लिख दें यक्स, तो इसको इसको गुणा करेंगे, हमें पता है कि बटे में दोनों तरफ हैं या बिना बटे में हो तो भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको यक्स मान लें हम, तो यक्स स्क्वायर 52/13। अब इसमें हमें मान जो बताना है वो क्वेश्चन मार्क का ही मान बताना है कि क्या होगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 52 का क्या हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी कि 4/13/13। अब यक्स बराबर निकालेंगे तो ये जाकर यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में देख चुके होंगे, 13 2 बन गया पेयर, ये बाहर निकल आया, 4 को 2 दुनी 4, या ये भी लिख दे इसको चाहे तो 2/2 पेयर बन गया, बाहर आ गया 2/13, यानी कि मान बन गया ये 26, बहुत ही आसानी से लग गई ये। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा और अलग अलग चैप्टर से संबंधित, जैसे अभी घनमूल वर्गमूल और घनमूल था, उसके बाद आएगा सर्ड एडिशेस यानी कि जो घातांक और करड़ी होता है, फिर औसत आएगा, इसी तरह से जितने इसमें मैथ के जितने पोर्शन है उसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे और चैप्टर वाइज समझते चलेंगे, लेकिन इसमें जो प्रश्न है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ज़रूर बनाएं, जो प्रश्न होते हैं उसको अपने मन से सॉल्व करें, उसमें देखें कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना आपका पकड़ मजबूत होता है, तो इस तरह से जो मैथ होगा, मैथ का पोर्शन वो बहुत ही मजबूती हो जाएगा। और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।